Hello guys, welcome to the channel of Career Quest and I welcome you all to today's video Indian Express के दिल्ली एडिशन के इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन में. सो आज 2nd of December है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर में है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो UGC की तरफ से आ रही है और UGC ने जो है एक मीटिंग की थी कन्वीन 26th of November को और उसमें उन्होंने जो है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिमाइंड यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको कहा है कि आप नेक्स्ट ईयर से यानी कि एकेडमिक ईयर 2022-23 से एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है, तो क्या ये पहली बार हो रहा है, क्या ये UGC ने नया एक कंसेप्ट निकाला है या फिर ऐसा पहले भी होता था या कुछ और चेंजेस किए जा रहे हैं? तो एज आई सेड कि पहले क्या होता था कि पहले जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलती थी उसमें कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था और बाकी के कोर्सेज़ के लिए आपके प्लस टू में जितने मार्क्स आए हैं रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स में उस बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती थी और मेरिट लिस्ट में से आपको एक मिल जाती थी एडमिशन. ठीक है, तो अब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि लेट्स हैव अ सॉरी UGC ने कहा है कि लेट्स हैव अ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम. ठीक है, और ये जो है दोनों प्रोग्राम्स के लिए होगा, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी होगा और पोस्ट ग्रेजुएट्स लिए भी होगा. ठीक है, और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में सबके लिए होगा, राइट? तो एज आई सेड कि इस एग्ज़ाम में क्या खास होने वाला है, देखिए इस एग्ज़ाम का नाम रखा है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट. और ये कंडक्ट कौन करेगी? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करेगी. कौन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपको पता ही है कि नई बनाई थी गवर्नमेंट ने अ कपल ऑफ इयर्स बैक. ठीक है, तो NTA जो है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और इस एग्ज़ाम के बेस पे जो परफॉर्मेंस होगी, एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस होगी उस बेसिस पे जो है बच्चों को आगे एडमिशन्स मिलेंगी. तो UGC का कुछ इस तरह से प्लान है. पहले ये जो टेस्ट था ये 13 यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो 11 यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो कंडक्ट कराती थी इंडिया में. ठीक है, और जो उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें से कुछ ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि इससे जो है थोड़ी सी हमें मतलब आप कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमें एडमिशन्स करने को मिलेंगी उनमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है. तो अब जो है अब ये कह दिया गया है कि नहीं, अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी. नाउ इट हैज़ टू बी डन एंड इट हैज़ टू बी डन. तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि NTA जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी तो ये इंडिया की 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, इट विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस, जस्ट लाइक आज के टाइम में JEE और नीट होता है ना, JEE एंड नीट. तो आपको पता है JEE जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और नीट जो है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है कि अगर आपने MBBS करनी है. तो सिमिलरली वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए और अदर साइंस कोर्स या अपला जो आपकी प्योर साइंस होती है उनमें एडमिशन्स के लिए जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, ऑल दो UGC ने इसकी कोई मोडालिटीज़ अनाउंस नहीं की हैं बट ऐसा माना जा रहा है कि इस टेस्ट में ना दो पार्ट्स होंगे. एक पार्ट में बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और मतलब एक होगा उसका एप्टीट्यूड टेस्ट और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है, सो सेकेंड वन विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो ये दो पार्ट्स में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जितने भी मतलब बच्चे साइंस में यानी BSc एक्सेट्रा या फिर ह्यूमैनिटीज़ में यानी BA MA या BSc MSc, ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेजेस में, इसके अलावा आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, उसके अलावा अगर वोकेशनल वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं ना उनमें भी अगर एडमिशन लेनी है सो दिस टेस्ट इज़ गोइंग टू बी मस्ट फॉर ऑल द पीपल. अगर आपने किसी हायर एजुकेशन में जो है ये एडमिशन लेनी है तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि लास्ट ईयर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो लॉन्च कर दी गई है. इस NEP में भी CUET का एक मेंशन है, मतलब एज इट इज़ CUET का मेंशन नहीं है बट उन NEP में ये सजेस्ट किया गया है कि देयर मस्ट बी वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. ठीक है,
पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक CUCET करके एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, ठीक है, और ये जो है 2010 में लॉन्च किया गया था। तो उस टाइम पे जो है इसमें 7 जो न्यूली इस्टेब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। फिर 2012 में, यानी 2012 में गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में जो है ना यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने मना कर दिया था, ठीक है। तो अगर हम आज की बात करें, यानी 2021 की, ये तो अगले साल से होने वाला है, तो अभी का क्या सिनेरियो है? तो 2021 में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है CUCET के थ्रू एडमिशंस लेती हैं। तो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में असम की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो सिलचर में है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इनमें से ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इस CUCET के एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशंस लेती हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है CUET होगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया गया है, CUCET से अब ये CUET होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम के थ्रू अब एडमिशन्स होने वाली हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें JNU का बड़ा नाम आता है, ठीक है, फॉर ऑल द यू नो गुड एज वेल एज बैड रीजंस, या फिर आप बात करें DU जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी इस एग्ज़ाम को यानी CUET को अडॉप्ट करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तो अब आप ये देख सकते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, अभी अभी आपको पता होगा कि DU ने ना अपनी कट ऑफ जो है वो रिलीज़ की है, तो उसमें पहली कट ऑफ में मार्क्स 100% तक गए हैं। अब कुछ बोर्ड्स इंडिया में ऐसे हैं जो बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट मार्किंग रखते हैं, कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत लिबरल मार्किंग रखते हैं, तो वहाँ पे एक रीजनल डिस्पैरिटी आ जाती है बहुत बड़ी। जैसे अगर आप कुछ स्टेट्स ले लें जिनकी में जो टॉपर्स होते हैं वो 67-69% तक ही होते हैं, मतलब स्टेट टॉपर्स, पूरी स्टेट में जिसने टॉप किया उसके इतने मार्क्स हैं। फिर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे टॉपर के 100% मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों अप्लाई करने जाएंगे लेट से DU में, तो DU इसको प्रेफरेंस देगी, लेकिन वो ये नहीं देखेगी कि इसको तो मार्क्स ही इतने मिल सकते थे, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पे ये जो रीजनल डिस्पैरिटी आ रही है उसी को ओवरकम करने के लिए UGC जो है ये कंसेप्ट चलाने वाली है, और अगले साल से मोस्ट लाइकली हमें देखने को मिल जाएगा कि आने वाले कुछ महीनों में हम देख लेंगे कि इसकी जो मॉडेलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी। ऑल्दो मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्ट लाइकली इसमें दो टेस्ट होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स सब के लिए ये होगा, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कि गवर्नमेंट इंडिया जो है वो डिसाइडेड कि हम 15 दिसंबर से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे, बट ड्यू टू द एडवेंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो ये जो वुहान वायरस है इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने ये December 15 वाली डेडलाइन जो है इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है कि December 15 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है। और जो है नई डेट, तो फिर कब स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो ये नई डेट अभी अनाउंस नहीं की है। तो फिर कैसे किया जाएगा? तो अब क्या इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट ही नहीं होंगी कि जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, और कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा किसी को नहीं पता, सो टिल दैट इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैसे चलेंगे? तो उनको मैं बता दूं, अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर चल रही हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं? उनमें से एक है ट्रैवल बबल, वन इज कॉल्ड एज अ ट्रैवल बबल। तो ये दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कंट्री ए एंड कंट्री बी, इन दोनों के बीच में आपस में एक अग्रीमेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ से फ़्लाइट सीधा आपके यहाँ आएगी, आपके यहाँ से फ़्लाइट सीधा हमारे यहाँ आएगी। तो ये दो कंट्री देख असेस करते हैं एक दूसरे के कंट्री में सिचुएशन कैसी है, वैक्सीनेशन कितनी है। लेट्स से ऑन वन साइड देर इज़ इंडिया, लेट्स से ए इज़ इंडिया एंड द अदर साइड इट्स UK। तो इंडिया असेस करेगा कि UK में कितना जो है कोरोना वायरस का स्प्रेड हो रखा है, एंड UK असेस करेगा इंडिया में, वाइस वर्सा। तो दोनों जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हम लोग ट्रैवल अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अलाउ कर सकते हैं, द ट्रैवल विल बी अलाउड, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि रास्ते में फ्लाइट कहीं पे नहीं रुकेगी,
द फ्लाइट विल नॉट हॉल्ट एट एनी प्लेस, और कोई भी पैसेंजर बोर्ड या डी बोर्ड नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है वो लॉजिस्टिक्स के लिए, लेट्स से रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए वो रुक सकते हैं, बट कोई भी पैसेंजर बोर्ड या डी बोर्ड नहीं करेगा एयरक्राफ्ट को। और एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर एक बार ऑन बोर्ड आ गए हैं वो जो है डी बोर्ड करेंगे बिल्कुल डेस्टिनेशन पे जाके ही। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेवल बबल, ठीक है। तो और कहीं से भी जो है वहाँ उस कंट्री में हम लोग जल्दी जल्दी कोई टूरिस्ट या आप कह लीजिए फॉरनर्स इनवाइट या अलाउ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ट्रेवल बबल। तो जिस कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेवल बबल है वहाँ पे इंडिया सोच रहा था कि 15th of December से हम 75% तक जो है ना कैपेसिटी वो अलाउ कर देंगे, ठीक है, 75% ऑफ कैपेसिटी वो अलाउ कर देंगे। लेकिन जो अब 15 December को ये चीज़ कैंसिल कर दी गई है, और जो बाकी कंट्रीज थे, ठीक है, उनमें जो फ्लाइट्स अलाउ करने का सोचा था वो ये था कि हम 50% तक कैपेसिटी जो है अदर कंट्रीज़ के लिए जिनके साथ ट्रैवल बबल का अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, क्योंकि एज आई सेड कि ये एक अग्रीमेंट बेस्ड होता है, ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट होता है दो गवर्नमेंट्स के बीच में, उसके बाद ये ट्रैवल बबल जो है ये बनता है और उसके बेस पे। तो 75% ऑफ कैपेसिटी इन ट्रैवल बबल अग्रीमेंट, 50% ऑफ कैपेसिटी इन अदर कंट्रीज़, तो वो डिसाइड किया गया था कि हम स्टार्ट कर देंगे। और जो एट रिस्क कंट्री हैं, ठीक है, जो एट रिस्क कंट्री हैं वहाँ से एक कैटेगरी होती है एट रिस्क, तो वहाँ से हम जो है फ्लाइट्स प्रोहिबिट रखेंगे आने वाले टाइम में भी। और जो कंट्रीज नॉट एट रिस्क हैं, ठीक है, द कंट्रीज विच आर नॉट एट रिस्क, वहाँ से हम 100% जो है कैपेसिटी अलाउ कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट का प्लान था, बट ये प्लान अब इसमें चेंज हो गया है एज आई सेड। तो चेंज क्या हुआ है कि फ्लाइट जो है ना वो अब धीरे 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 करके खोली जाएंगी, और फिलहाल के लिए 15 December वाली जो डेट है, जो ये डेट थी 15 December की, ये फिलहाल के लिए कैंसिल है। अब 15 December से फ्लाइट्स जो हैं रिज्यूम नहीं हो रही हैं, ठीक है। और इनमें जो एट रिस्क कंट्री हैं, एट रिस्क में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट्स तो रिज्यूम हो ही नहीं रही हैं, फिर भी लोग तो आ ही रहे हैं, फ्लाइट्स जो है कुछ लिमिटेड कैपेसिटी में चल ही रही हैं। तो एट रिस्क कंट्री में पूरा का पूरा यूरोप आता है, ठीक है, उसके अलावा UK आता है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जिम्बाब्वे एंड इसराइल ऑल्सो। तो इन सब में जो पैसेंजर्स आ रहे थे उनकी जो है मैंडेटरी टेस्टिंग होगी, मैंडेटरी टेस्टिंग होगी, ठीक है, वो सैंपल देंगे एयरपोर्ट पे ही देंगे, उसके बाद फिर उन्हें क्वारंटाइन करना होगा 8 days के लिए, ठीक है, 8 days क्वारंटाइन। उसके बाद फिर उनका एक दोबारा टेस्ट होगा RT-PCR, अगर ये नेगेटिव आता है देन दे आर अलाउड टू प्रोसीड, मतलब वो बाहर निकल सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली उनको जो है ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट कर दिया जाएगा। और तो और जितने ये एट रिस्क कंट्रीज से लोग आ रहे हैं इनमें से जो भी पेशेंट्स पॉजिटिव आएंगे उन सब का जो सैंपल होगा वो कहाँ जाएगा, वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाएगा। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, अगर किसी को नहीं पता कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, ठीक है, तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जितने भी एट रिस्क में से पॉजिटिव आते हैं सैंपल्स, वो सब के सब सैंपल्स जो हैं वो जाएंगे हमारी इनसॉक की जो वो है लैब्स हैं उनमें। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हाँ जी, तो अगली न्यूज़ जो है, जस्ट लेट मी ज़ूम इन अ बिट। अब क्लियर है। तो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पार्लियामेंट से। तो आपको पता ही है पार्लियामेंट का जो सेशन है वो ऑन है, ठीक है, कौन सा सेशन ऑन है, विंटर सेशन ऑन है। तो पार्लियामेंट के साल में कितने सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के साल में जो है वो
तीन सेशन होते हैं, कहीं पे रिटर्न नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किसी भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो एज सच जो है एक कन्वेंशनल तरीके से, मतलब एक कन्वेंशन चलती आ रही है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन रखे जा रहे हैं। तो ये 3 सेशंस में एक रिपोर्ट आई है, किसकी? हमारा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन, यह देख लिया जी यहाँ पे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं कांग्रेस के बड़े फेमस लीडर एंड एमपी फ्रॉम केरला, मिस्टर शशि थरूर। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेकमेंड किया है कि जो इंडिया में मीडिया है ना, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, अब मीडिया 3 टाइप का हो गया आजकल, पहले 2 का होता था, सबसे पहले तो एक ही होता था, आजकल 3 टाइप का हो गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, जिनमें आते हैं आपके न्यूज़ चैनल्स जो आप टीवी पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी टाइप होती है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर्स की, तो इसमें आपके न्यूज़पेपर्स, ठीक है, मैगजीन्स और जर्नल्स वगैरह आती हैं। द थर्ड टाइप इज, जो आपका थर्ड टाइप निकल के आया है, वो है डिजिटल मीडिया, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, ठीक है, ये सब। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी है? काइंड ऑफ है, इसको NBSA बोलते हैं, ठीक है, आगे बताता हूँ। प्रिंट मीडिया के लिए है, काइंड ऑफ है, PCI बोलते हैं इसे। डिजिटल मीडिया के लिए देर इज नन, और यहीं पे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि देखिए, टू बी प्रिसाइज, अब आप में से अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, मेंस में लिखने के लिए मीडिया का काम क्या है। सो द जॉब ऑफ द मीडिया इज टू प्रेजेंट प्रेजेंट फैक्ट्स एंड न्यूज़। ये काम तो हो ही नहीं रहा आजकल। आजकल क्या हो रहा है, ओपिनियंस बनाए जा रहे हैं। मीडिया का काम ओपिनियन बनाना नहीं है, मीडिया का काम है मुझ तक इंफॉर्मेशन लेके आना, फैक्ट्स लेके आना, न्यूज़ लेके आना, ठीक है। आगे वो सही है गलत है, किस हद तक गलत है, किस हद तक सही है, या समवेयर इन बिटवीन, दैट इज माई जॉब। वो मैं सोच के मैं खुद डिसाइड करूंगा, वो मेरा खुद का ओपिनियन होगा। मीडिया शेल नॉट गिव प्रोवाइड मी एनी ओपिनियन। आज के टाइम में ये हो रहा है, और इस ओपिनियन को जो ज़्यादा बनाने के चक्कर में मीडिया में जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो उसने थोड़ी अपनी जो है एक कंसर्न दिखाया है, और उन्होंने कहा है कि IT मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है एक प्रॉपर बॉडी बनाइए, स्टैटटरी बॉडी बनाइए, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रॉपर एक एक्ट है, तो ये स्टैटटरी बॉडी है, ठीक है। सो इट्स स्टैटटरी बॉडी। तो NBSA, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ नॉट अ स्टैटटरी बॉडी, ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। NBSA मतलब न्यूज़ चैनल में हर कोई, जितने न्यूज़ चैनल हैं वो अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, ठीक है, और उस रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंटेटिव्स के उसमें सारा ये चलता रहता है। तो अगर कोई गिल्टी फाउंड होता है तो क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं, उनको जो है एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि आपने ये गलत किया है, दिस इज़ नॉट अलाउड, और ये अनएथिकल प्रैक्टिस थी, तो आप जो है अपने अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लो। तो अगर वो न्यूज़ चैनल एक्सेप्ट कर लेता है तो हो जाता है, अदरवाइज तो कोई और कर ही नहीं सकता। सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्योंकि एक स्टैटटरी बॉडी है, तो वो फिर भी थोड़े बहुत एक्शन ले सकते, लेकिन उसमें उसकी भी पावर्स बहुत कम है, ठीक है। तो NBSA में दिक्कत क्या है कि वो वॉलेंटरी कंप्लायंस पे है। अगर न्यूज़ चैनल मना कर देता है उस कंप्लायंस को करने से, तो होगा तो कुछ नहीं है, बस एक काइंड ऑफ ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसने बुरा काम किया है, ठीक है। वो भी मतलब बहुत रेयर केसेस है, आप कम ही देखते हो कि ऐसा होता है। सो इसीलिए ये जो आप हमारी
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसने सजेस्ट किया है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाए जो तीनों टाइप की ये जो मीडिया है ना हमारी, तीनों के लिए रेगुलेटरी, एक एज अ रेगुलेटर का काम करे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं आएगी बट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया भी आएगी। ठीक है, और इनके पास स्टैट्यूटरी पावर्स होनी चाहिए ताकि ये जो है इन जो भी ऑर्डर्स जो हैं पास करेंगे किसी भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पोर्टल या किसी न्यूज़पेपर के अगेंस्ट, तो वो उसको एनफोर्स करा सके। ठीक है, दैट इज़ वाई दे हैव आस्क्ड टू क्रिएट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स एन बॉडी जिसको पार्लियामेंट में एक्ट पास करा के बनाया जाता है, जिसका कोई स्टैट्यू होता है। स्टैट्यू मीन्स अ रिटन लॉ। ठीक है, और उसके अलावा इसने ये भी रिकमेंड किया है कि आप एक मीडिया कमीशन बनाइए। क्या बनाइए? एक मीडिया कमीशन बनाइए, जैसे टेलीकॉम कमीशन है ना, वैसे ही एक मीडिया कमीशन बनाइए, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है। तो इस मीडिया कमीशन में सारे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो मतलब आपस में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर सके, कंसल्ट कर सके, और उसके बाद जो भी एक कंसेंसस है वो जनरेट कर सके कि हाँ ये हमारे कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे और इन स्टैंडर्ड्स को हम कभी भी जो है वॉयलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ई न्यूज़पेपर्स को भी रेगुलेट करने के लिए जो है आईबी मिनिस्ट्री को, आईबी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब इसके मिनिस्टर कौन है, आई विल यू नो अगेन एज आई सेड आस्क यू टू चेक योरसेल्फ एंड इफ़ यू नो द आंसर राइट नाउ यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो सैटेलाइट टीवी चैनल हैं उनको भी जो है इन रेगुलेशंस के अंडर लेके आइए, क्योंकि चलिए मान लीजिए कि न्यूज़ चैनल्स के लिए और मीडिया के लिए तो ये बॉडी बन गई, वॉट अबाउट द अदर चैनल्स जो एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको और कोई भड़काऊ शोज दिखाना शुरू कर दें, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए जो है आप क्या करेंगे? तो दैट इज़ वाई दे सेड कि जो हमारी केबल्स की जो एक्ट है ना वो 1995 में पास हुई थी, द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, वो 1995 में पास हुई थी और 25 साल से ज़्यादा उसे हो चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है कि उसमें चेंज कर दिया जाए। क्योंकि इफ़ यू आर अ 90s किड, ठीक है, इफ़ यू आर अ 90s किड, तो आप आई एम श्योर डेफिनेटली आपने DD1 भी देखा होगा, जब TV पे सिर्फ DD1 आता था, फिर DD2 शुरू हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद केबल आया, फिर आज के टाइम में सैटेलाइट TV है, सो यू मस्ट हैव सीन ऑल द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, लेकिन ये एक्ट कभी इवॉल्व नहीं हुआ। तो टाइम के साथ साथ लॉज को भी हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ सोसाइटी इवॉल्व होती जाती है, देर आर न्यू डायमेंशंस, न्यू वेरिएबल्स दैट कमिंग टू प्ले, और इनको जो है रेगुलेट करने के लिए अ चेंज इज मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इसने की है। इसके अलावा जो अभी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने जो डिजिटल सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, जो अभी डिजिटल मीडिया वाले जो रूल्स आए थे वो जो निकाले थे, उसके लिए जो है इनको प्रेज़ किया है, और उन्होंने कहा है कि आप मेक श्योर करें कि ये जो रूल्स हैं ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हों। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जितनी भी यहाँ पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए IT मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो हैं वो पब्लिश किए थे, और अब सारी की सारी जो डिजिटल मीडिया है और सोशल मीडिया है उन सबको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इनमें आपको पता ही है कि प्रोविजंस हैं कि एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, एक जो है आपका प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन जिसको कोई भी बंदा कंप्लेंट कर सकता है, और जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ लायजन ऑफिसर। तो ये ऐसी डिफरेंट डिफरेंट है, और वो सब के सब इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, द सोशल मीडिया शैल एक्ट ऑन अ कंप्लेंट इन 24 to 72 hours, राइट। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो हैं इसको इस स्टैंडिंग कमेटी ने सपोर्ट करते हुए कहा है कि यू मस्ट इंश्योर कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, द कमेटी एज ए कोट कि कमेटी ने क्या कहा है, आई एम एग्जैक्टली कोटिंग यू देयर वर्ड्स, होप दिस विल गो लॉन्ग वे इन रेगुलेटिंग डिजिटल मीडिया कंटेंट। ठीक है, तो उन्होंने ये होप जताई है कि ये जो रूल्स हैं ये डिजिटल मीडिया का जो कंटेंट है उनको अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जितना भी हमारा ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है
ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में अब सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न नहीं आता, रेडियो भी आता है, ठीक है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस भी आती हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने की ज़रूरत है, मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंडर सारी की सारी ब्रॉडकास्टिंग हो, ठीक है। जैसे आईबी मिनिस्ट्री है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, तो उसके अंडर टीवी भी आता है, उसके अंडर ऑल इंडिया रेडियो भी आता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। तो वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को कवर करते हुए एक ऐसी एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाए, ठीक है। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ऑलरेडी एक स्टैटटरी बॉडी है, इसमें जो न्यूज़पेपर हैं जब वो कोई गलती करते हैं जानबूझ के, ठीक है, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन वो करने की फैलाने की कोशिश करते हैं या पेड न्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन दैट केस पीसीआई के पास ना कुछ खास पावर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसका ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस जो है, वो जब तक कोई एक्शन नहीं लेता तब तक पीसीआई कुछ नहीं कर सकती। अब वो ब्यूरो जो ये ब्यूरो ऑफ ब्रॉडकास्ट आउटकास्ट सॉरी द ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस है, ये क्या एक्शन लेता है? ये कुछ खास एक्शन तो नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइन लगा सकता है या कोई किसी को जेल भेज सकता है या किसी को अरेस्ट करवा सकता है, किसी को डिटेन कर सकता है, किसी का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, नथिंग लाइक दैट। बट जो गवर्नमेंट अपनी न्यूज़पेपर्स में एड्स वगैरह प्रिंट करवाती है ना, बस वो ब्लॉक करवा देता है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कि आपका रेवेन्यू रुक गया। उसके बाद पीसीआई जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो भी एक्शन है वो ले सकती है, बिकॉज पीसीआई चाहे स्टैटटरी बॉडी है एज आई सेड, बट ये भी बहुत पुराना एक्ट है, इसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है। और इसके बाद जो है पीसीआई को और पावर्स देने की ज़रूरत है, सो दैट इट कैन एक्चुअली टेक एक्शंस अगेंस्ट एरिंग न्यूज़पेपर। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो सेकंड हाईएस्ट निकल के आई है अब तक की, ठीक है, इट हैज कम आउट टू बी सेकंड हाईएस्ट टिल डेट। सो अब जीएसटी एज यू नो कि 2017 में जो है इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। तो 2017 में जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है तब से हर महीने जीएसटी कलेक्शंस की जो है, एक जीएसटी कलेक्शंस की एक रिपोर्ट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मंथली जो है वो रिलीज कर देती है कि हमारे पास इस महीने में कितना आया। तो ये यूजुअली किसी लैग के साथ नहीं आता है, ये जैसे ही मंथ एंड होता है तो फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ पिछले मंथ के लिए पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो नवंबर के लिए जीएसटी आई है वो आई है, जो जीएसटी रेवेन्यू निकल के आया है वो आया है 1,31,526 करोड़ रुपीस। तो ये अब तक का सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो एक महीने की कलेक्शंस हैं उसमें से ये फिगर अब तक की सेकंड हाईएस्ट है, विच इज़ अ गुड साइन। जाने की अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने देखा था कि Q2 का जो हमारा जीडीपी डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया और हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8.4% आई है, और हमने उसमें देखा था कि वॉट इज़ टू बी वरीड अबाउट, वट शुड बी वी हैप्पी अबाउट, ठीक है। तो अब ये जो इतनी अच्छी फिगर आई है, तो जैसे अभी कह रहे हैं कि अभी तो इकोनॉमी रिकवरी मोड में है, तो रिकवरी मोड के बाद सेकेंड हाईएस्ट है, तो उसमें बहुत सारा ये कह रहे हैं कि एक तो डिमांड अच्छी हो गई है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो पिकअप हो रही है, दूसरी बात कंप्लायंस मेजर्स जो लिए जा रहे हैं ना, जैसे ऑटो पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न्स हो गया है, ई वे बिल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं जो ढंग से अपनी रिटर्न्स नहीं भरते हैं, और जो अपनी रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं भरते हैं उनका जो ITC है वो उनको नहीं दिया जाता, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हैं वो जो उनको है वो नहीं दिया जाता। तो यहाँ से जो है जो जो ये फेक इनवॉइसेस जनरेट होते थे ना और फेक ई वे बिल्स जनरेट होते थे और उससे टैक्स इवेजन्स बचाने की कोशिश की जाती थी, तो वो कम हो गई है। अब जैसे एक पर्सन है उसने जीएसटी नंबर तो ले लिया, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो इनवॉइसेस जनरेट कर रहा है, इनवॉइसेस से क्या कर रहा है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जनरेट कर रहा है, सॉरी क्लेम कर रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो उसने क्लेम कर लिया लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की,
ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं की, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट के हाथ से पैसा चला गया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई डेटा भी नहीं आया, ना ही कोई रिकॉर्ड आया, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम क्यों दें। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डेटा एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही हैं, और इसी वजह से जो है अब आप देख रहे हैं कि 1,31,526 करोड़ एक महीने में जो है जीएसटी में कलेक्शन हुई है, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और गुड न्यूज़, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 26.49% जो है इंक्रीज हो गए हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑलराइट, तो नवंबर में हमने 29.88 बिलियन डॉलर के मर्चेंडाइज जो हैं वो सेल किए थे, और इसमें कौन कौन से थे, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनमें जो है ये सबसे प्रोमिनेंट थे। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकेज ऑफ टैक्स आपको दिया हुआ है कि CGST में कितना कलेक्ट हुआ है। तो CGST, अब आपको मैं बता दूँ कि GST के अंडर जो सिस्टम है उसमें हमने IGST जो है उसे ऑप्ट किया है, ठीक है। IGST के अंडर वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स, IGST इज नॉट अ टैक्स, इट्स अ सिस्टम, ठीक है। देखिए, IGST के अंडर CGST आता है और SGST आता है, ठीक है, और दोनों जो है बराबर बराबर शेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का GST रेट सपोज करिए 14% है, ठीक है, लेट्स से देर इज नो 14%, देर इज ओनली 12%, तो लेट्स देर इज GST 12% लगता है आपको किसी चीज़ पे, तो उसमें से 6 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सो दिस इज डन अंडर IGST। तो IGST इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम, प्लीज ये चीज़ याद रखिएगा। समवन हु हैज स्टडीड GST अ बिट वो थोड़ा कंफ्यूज होगा यहाँ पे, लेकिन जो अच्छे से GST कर चुके हैं और समबडी हुज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि येस, IGST इज नॉट अ टैक्स बट इट इज अ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अच्छी सर्वेलेंस की वजह से, टैक्स एंटी टैक्स इवेशन मेजर्स की वजह से और एक अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से हमारा जो है GST कलेक्शन इम्प्रूव हो गया है। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द, अच्छा, GST के बारे में मैं आपको, बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपको बता दूं कि GST जो है वो 2017 में आया था, ठीक है, आफ्टर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट में GST तो नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था GST के लिए, हाँ, बट इसमें स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था, जो स्टेट्स की टैक्स इम्प्लीमेंट करने की पावर्स थी उसमें अमेंडमेंट करके वो पावर्स जो है स्टेट स्टेट और सेंटर की शिफ्ट कर दी गई थी टू GST काउंसिल। और ये जो GST काउंसिल है ये अंडर आर्टिकल 279A में मेंशन है, ठीक है। सो एज आई सेड कि GST काउंसिल इज अ स्टैटटरी बॉडी, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी इस टाइम पे निर्मला सीतारमन जी जो है हमारी, मिसेस निर्मला सीतारमन, वो हमारी GST काउंसिल की क्या है, चेयरमैन है। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स और यूटीज विद लेजिस्लेचर हैं उनके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर जो भी मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाते हैं इन द GST काउंसिल, वो इसके मेंबर रहते हैं। डिसीजन ज़्यादातर कंसेंसस से लिया जाता है, ठीक है, बट अगर कंसेंसस ना जनरेट हो सके तो मिनिमम 75% वोट्स चाहिए किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए। तो अब ये वोट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी मज़ेदार है इसकी, तो जो सेंटर है, क्योंकि सेंटर का तो एक ही नुमाइंदा है वहाँ पे, तो अगर सारी स्टेट्स इकट्ठी हो जाएं तो सेंटर को तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और अगर सेंटर को ही पावरफुल बना दिया जाए तो स्टेट्स को नुकसान हो जाएगा। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं उसकी एक वैल्यू निकाली गई, और उस वैल्यू में से 1/3 वैल्यू जो है वो इकलौती सेंटर की एक वोट की वैल्यू है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए इंडिया में देर आर 28 स्टेट्स राइट नाउ, एंड देन देर आर 3 UTs विद लेजिस्लेचर, तो टोटल 31 हो गई, ठीक है। तो 31 की अगर हम लेट्स सपोज करें कि हर वोट की वैल्यू हमने 10 रख ली, तो देर इज टोटल 310, राइट। देन देर इज सेंटर ऑल्सो,
तो यहाँ पे इस 310 का 1/3 जो है वो वैल्यू जो रहेगी वो स्टेट सेंटर की रहेगी, बाकी जो है वो स्टेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि लेट से कि कुछ स्टेट्स एक पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए मान गई जीएसटी काउंसिल में, साथ में सेंटर भी मान गया। ठीक है, सो लेट से एक्स वाई जेड स्टेट्स जो है वो मान गई प्लस साथ में सेंटर भी मान गया। तो अगर इनकी टोटल जैसे 1/3 वैल्यू तो स्टेट सीधी सीधी सेंटर की वोट की होगी, बाकी स्टेट्स की जो है वैल्यू इक्वली डिवाइड की ही हुई है, तो वहाँ पे टोटल करके देख लें। अगर ये 75% ऑफ 310, विच इज़ एन हाइपोथेटिकल नंबर, अगर ये 75% ऑफ 310 निकल के आ रहा है तो ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो यानी बिना सेंटर के आप कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि सारी स्टेट्स अगर इकट्ठी हो जाते तब भी वो 66% तक ही पहुंचेंगी। ठीक है, तो यानी सेंटर प्लस एटलीस्ट 16 स्टेट्स अगर किसी प्रपोजल के लिए मान जाती हैं तो वो प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ज़्यादातर डिसीजन जो हैं सारे के सारे डिसीजन कंसेंसस से लिए गए हैं। ठीक है, तो कंसेंसस मींस कि सबकी सर्वसहमति से। ऑल राइट, चल लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज भी मिलती जुलती ही है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 10 मंथ हाई पे आया है। सो व्हाट इज पीएमआई एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई? सबसे पहले तो पीएमआई स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स है तो मतलब इसका स्कोर भी होगा, हर इंडेक्स का एक स्कोर होता है ना, और उस स्कोर पे बेस आपको रैंकिंग्स भी मिलती हैं। तो इस इंडेक्स में स्कोर है, रैंकिंग्स नहीं है। तो ये स्कोर जो है 0 से 100 के बीच में मिलता है। ठीक है, आगे आप बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो ये IHS मार्केट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको पब्लिश करती है। अब लेट मी टेल यू, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए IHS मार्केट इंडिया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करती है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को। तो ये मंथली आता है, कब आता है? मंथली। तीन टाइप के लिए होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, एक सर्विसेज के लिए होता है, और एक ओवरऑल होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात की जा रही है या सर्विसेज पीएमआई की बात की जा रही है या केवल और केवल पीएमआई की बात की जा रही है। स्कोरिंग का पैटर्न सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर मिलता है। तो अगर स्कोर और बीच में मीडियन है 50, अगर स्कोर 50 से कम है, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 50 तो होती है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ध्यान से समझिएगा, अगर स्कोर लेस देन 50 आता है तो इट मीन्स देर इज कंट्रैक्शन, यानी इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर गई है। अगर स्कोर ग्रेटर देन 50 आता है तो दैट मीन्स देर इज एक्सपेंशन। ठीक है, देर इज एक्सपेंशन, तो यानी इकोनॉमी एक्सपैंड कर गई है। सो नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, अगर 53 है तो स्केल अच्छा है, अगर 56 है तो और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें जो राइज होता है वो जितना 50 से अबव नंबर बड़ा आता जाएगा उतना जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सो यू कैन सी हेयर। ठीक है, तो अक्टूबर 2021 में कितना था? 58.4 था, यानी बहुत अच्छा था। सॉरी, इट इज़ फॉर सर्विसेज, यस इट इज़ फॉर सर्विसेज 58.4, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इज 57.6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज जब हम निकालेंगे तो वील गेट एन 57.6
58.4 प्लस 57.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको ओवरऑल पीएमआई मिल जाएगा। तो दैट मींस कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो मार्केट सेक्टर है, वो एक्सपैंड कर रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। ठीक है, तो लेट्स होप, प्रे एंड फिंगर्स क्रॉस कि ये सिनेरियो जो है ऐसा ही रहे। तो एग्जामिनर आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछ सकता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है, इसमें अगर स्कोर 53 का आया है, या कोई भी आपको एक नंबर दे देगा 0 से 100 के बीच में, और फिर पूछेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सपेंशन है। तो मैंने आपको बताया है कि 50 पे ना तो कॉन्ट्रैक्शन है ना एक्सपेंशन है, 50 से कम कॉन्ट्रैक्शन है, 50 से ज़्यादा एक्सपेंशन है इकोनॉमी में। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जियोपॉलिटिकल वॉर्स थोड़ी बड़ी होने वाली हैं, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है, उसने एक नया प्लान जो है वो दुनिया के सामने रखा है। तो ये प्लान किस चीज़ को लेके है? तो जैसे आपको पता होगा कि जो चाइना है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है। क्या स्टार्ट कर रहा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसमें उसने क्या किया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसा लिया है। डेट ट्रैप क्या होता है? आप किसी को लोन देते जाओ और इतना ज़्यादा लोन दे दो कि उसकी रीपेमेंट की उतनी कैपेसिटी ही ना हो। तो जब वो आपका लोन रीपे नहीं कर पाएगा, तो बदले में आप उसका कोई भी एक एसेट जो है वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका के साथ किया चाइना ने, श्रीलंका को चाइना ने लोन देता गया, जब श्रीलंका ने कहा कि इतना हम आपको रीपे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब चाइना ने कहा कि ठीक है, आप अपना जो हमें एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा, ठीक है, ये पोर्ट आप हमें दे दीजिए। तो फिर ये पोर्ट अब अगले 99 साल के लिए चाइना का हो गया है। इस पे अब श्रीलंका का कोई जो है राइट नहीं रहा है, वेरी लिमिटेड राइट इज़ देयर एज लॉन्ग एज इट इज़ देयर इन श्रीलंकाज टेरिटरी। तो उसको लेके थोड़े बहुत राइट है, अदरवाइज वैसे कोई राइट नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा श्रीलंका को नहीं मिलेगा, वो पोर्ट है, पोर्ट से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, बिकॉज शिप मूवमेंट होती है, तो वो श्रीलंका को नहीं मिलेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, क्लियर। तो इसे ही डेट ट्रैप बोलते हैं। तो इसको चैलेंज करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 300 बिलियन यूरोस का एक ग्लोबल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इसका नाम रखा है इन्होंने ग्लोबल गेटवे। दे हैव नॉट नेम्ड इट एज ग्लोबल गेटवे। तो अब इसके थ्रू ये क्या करेंगे? ये भी इसके थ्रू, देखिए है कुछ भी नहीं, इससे पहले यूएस ने भी ऐसा एक लॉन्च किया था। मैं आपको बता दूं, अब बात चली है तो मैं आपको सारा बता देता हूँ। यूएस का है B3W, ठीक है, इट्स नोन एज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, B3W इनिशिएटिव है। उसके अलावा इंडिया और जापान ने भी शुरू किया, ठीक है, लेकिन ऑल्दो इसका कोई फॉर्मल नेम नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश तक ही लिमिटेड रखी है। इसके अलावा अब यूरोपियन यूनियन फाइनली उसमें कूद चुकी है। इसके अलावा BRI जो चाइना का ओरिजिनल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो तो है ही है, पर BRI बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं इन्हें रेस मानूँ, इन सबको प्लेयर्स मानूँ और जो ये काम कर रहे हैं उसे एक रेस मानूँ, तो BRI अब फिलहाल के टाइम पे 2021 में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि BRI की जो प्रेजेंस है वो 129 कंट्रीज़ में है, 129 कंट्रीज़ आर मेंबर। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नाम का ये जो प्रोग्राम निकाला है, ठीक है, टू स्ट्रेंथन यूरोप सप्लाई चेन, ठीक है, बूस्ट EU ट्रेड, हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन, हेल्थ, क्लाइमेट, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये इनके मेन जो हैं सेक्टर्स रहने वाले हैं। कौन कौन से? डिजिटलाइजेशन, ठीक है, कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पे ये जोर देंगे। उसके बाद हेल्थ पे जोर देंगे, तो हेल्थ में ये पेंडेमिक्स भी आ जाएंगे, वैक्सीन्स भी आ जाएंगी, मेडिकल सप्लाईज भी आ जाएंगी और मेडिसिन भी आ जाएंगी। फिर क्लाइमेट,
ठीक है, क्लाइमेट एंड एनर्जी, और फिर साथ साथ लास्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट। तो इसके रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ग्लोबल गेटवे के थ्रू ये बिल्ड करना चाहते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो अगर मैं यहाँ पे विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी बडी और टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नथिंग बट कलोनियलिज्म इन इट्स 21st सेंचुरी अवतार। मैं साफ साफ यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कॉलोनाइजेशन का एक नया बहुत सोफिस्टिकेटेड जो है तरीका है और कुछ भी नहीं है। सो फॉर दिस यूरोप हैज़ क्रिएटेड दिस प्लान। अब इसको वो अब इस अब आप एक प्लान लेके आते हो, एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आते हो, और उसके लिए आप जो है अटेंशन या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको अट्रैक्ट कैसे करते हो। तो चाइना जो BRI के अंडर लोन देता है वो बहुत ही जो है ना वो होते हैं, मतलब हिडन कॉस्ट के साथ आते हैं, ठीक है। और उसका फिर जो अल्टीमेट नतीजा होता है वो क्या होता है सबको पता है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, US, इसके अलावा एक ब्लू डॉट नेटवर्क भी आया था, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ब्लू डॉट नेटवर्क, तो ये क्वाड ने शुरू किया था, ठीक है। क्वाड में आपको पता ही है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते हैं, तो एक क्वाड ने शुरू किया था। तो इसमें भी सिमिलर है, बट इसमें वो खुद पैसा नहीं देंगे, ठीक है। जो US ने जो प्लान निकाला है वो $2 ट्रिलियन का था, राइट। तो ब्लू डॉट नेटवर्क में भी ये पैसा नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट ये किसी भी इन्वेस्टमेंट उसको ना प्रोजेक्ट को किसी भी डेवलपिंग कंट्री में या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में स्टडी करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे, फिजिबिलिटी अगर उन्हें अच्छी लगती है देन दे विल प्रोवाइड इट अ ब्लू डॉट, ठीक है। उसके बाद ब्लू डॉट जो है मतलब इसको इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US की गवर्नमेंट जो है इसको पर्सनली एश्योर कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फायदेमंद होने वाला है। तो अगर 4 सोवरन गवर्नमेंट्स और 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इसको अपनी एश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही हैं तो ऑब्वियसली उसको इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी इजीली मिल जाएंगे। सो द ब्लू डॉट नेटवर्क वॉज समवॉट लाइक दैट। लेकिन बिल्ड बैट जो B3W है इसमें बेसिकली US खुद पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा US ने नहीं बताया। सिमिलरली EU ने भी ये वो जो है रिवील नहीं किया है कि ये 300 बिलियन यूरोज आने कहाँ से वाला है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर बता दिया कि हम इन 4 सेक्टर्स में पैसा खर्च करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में खर्च करेंगे। तो एज आई सेड इट इज़ नथिंग बट द 21st सेंचुरी कोलोनियलिज्म, जैसे ब्रिटेन ने कहा था 200 साल 300 साल पहले कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। आई गेस ये सारे कंट्रीज भी जो हैं उन्हीं में से जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लूँगा इंडिया और जापान की। इंडिया और जापान जो है कोलोनियलिस्ट माइंडसेट से ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट अश्योरेंसेस कि चाइना का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है नेबरहुड में और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज में वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हम्बन टोटा जैसे एपिसोड उन सारे कंट्रीज में हो जाए। दैट इज़ वाई इंडिया एंड जापान आई वुड से हैव केप्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड टू एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सॉरी तो अगेन यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी है ऑन IT, जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उन्हीं की तरफ से एक और जो है वो रिपोर्ट आई है। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बाकी इरिस्पेक्टिव कौन सी स्टेट की, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं तो वो जो इंटरनेट लॉकडाउन लगाती हैं, जैसे आप देखते ही होंगे कि इंटरनेट शटडाउन लगा दिया जाता है कि इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, मोबाइल इंटरनेट को जो है बंद कर दिया जाता है जैसे भी कोई लगता है कि माहौल ख़राब होने वाला है या कुछ भी होने वाला है। तो वो जो लगाती हैं वो इतना ज़्यादा लगा देती हैं कि इट शुड बी अ लास्ट स्टेप, मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए था और ये सबसे पहला रिजॉर्ट बन गया है क्योंकि ये बहुत ईजी है। ईजी क्यों है?
क्योंकि अगर हम बात करें पब्लिक सेफ्टी की, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है, जब भी कोई इंटरनेट शटडाउन या इंटरनेट का कोई भी एक वो लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा जो भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो यही दो जो है रीजंस देती हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन दो रीजंस की कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कैसे डिफाइन करेंगे कि आप क्या है पब्लिक इमरजेंसी, क्या है पब्लिक सेफ्टी? देर इज़ नो डेफिनेशन। बिकॉज देर इज़ नो डेफिनेशन, सो द गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से यूज़ करती रहती है। देखिए, एक ऐसा करने की इनके पास पावर कहाँ से आती है? तो सर, अपने आप तो आ नहीं जाती है। डेमोक्रेसी है, चाइना तो है नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में तो रिटन पावर्स तो कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए, तो बिल्कुल मेंशन है। जो हमारी टेलीग्राफ एक्ट है ना, टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, उसका जो सेक्शन 5 है, क्लॉज 2, उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये पावर मिलती है कि वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी है ना, वही इस ऑर्डर को साइन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा जो है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे भी ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है कि वो अंडर सेक्शन 144 या और भी दूसरे सेक्शंस के अंडर जो है CRPC के, ये इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगवा सकता है। तो इसी को, मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसने, जिसके चेयरमैन अगेन शशि थरूर एज आई मेंशन्ड जस्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि इसके लिए जो है गवर्नमेंट एक पैनल बनाए जो कि सजेस्ट करे इस इन दो चीज़ों की अच्छी डेफिनेशन और एक प्रॉपर SOP जो फॉलो किया जाएगा, एक प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जो है प्रॉपर बकायदा पूरे ड्यू प्रोसीजर से इंस्टॉल किया जाए ताकि इस मैकेनिज्म को फॉलो किया जा सके एवरी टाइम यू रिक्वायर। अदरवाइज अपनी मर्जी से जब चाहे तब जो है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसको हम DOT बोलते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दोनों के दोनों एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाए जिसमें सारी एंट्रीज डाली जाएं कि कब कब कहाँ कहाँ कितनी देर के लिए जो है इंटरनेट शटडाउन लगाया गया, और ये जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहती हैं, तो इसकी जो है, जब कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहती है तो उसकी स्क्रूटनी की जा सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो इससे जो है आपकी एक अनकही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। ऑल राइट, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। यू वॉन्ट एनी टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से या सेपरेटली डिस्कस किया जाए, न्यूज़ का पार्ट ना बनाया जाए, तो यू कैन अगेन सजेस्ट दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू प्रेस दैट लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन डाउनलोड आर ऐप टू गेट एक्सेस टू द लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है। उसमें आपको, हमारी ऐप में आपको हमारे सारे करंट अफेयर्स के नोट्स और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम, फील फ्री टू टेल देम। यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाई आर एंड्रॉयड ऐप एज वेल एज आर यूट्यूब चैनल, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।